तो गाइस देखते हैं डिस्काउंट कितना मिलता है मिस्ट्री शॉप 6.0 में। तो यार ये लीक्स आ चुकी है हमारे पास, जो कहा गया था कि मिस्ट्री शॉप 6.0 आने वाली है फ्राइडे को, तो आज रात को तो हमने वीडियो थोड़ी हमें मिली है, तो हम आपके सामने में लेकर आए हैं वीडियो में। तो क्या क्या मिलने वाला है हमें, तो देखते हैं इसमें डिस्काउंट कितना आता है। सबसे पहले तो डिस्काउंट आया है इनको 60%। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से बंडल्स है, कौन से डिस्काउंट है, क्या कुछ है। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि जब आप गेम ओपन करते हैं तो आपके सामने चार करेक्टर आते हैं, जिसमें से दो तो डायमंड रॉयल में आ चुके हैं और दो आपके सामने हैं जो कि लेफ्ट राइट पे बने हुए हैं। तो ऊपर भी आप देख सकते हैं कि जो मेन बंडल है जो कि हाईलाइटेड है वो है, जिसमें डिस्काउंट जितनी आप शॉपिंग करते हो मिस्ट्री शॉप पर उतना ही आपको डिस्काउंट मिलता है, ये तो आपको मालूम ही होगा। तो देखते हैं नीचे और क्या क्या कुछ है इसके अंदर। तो वही नॉर्मल सी जो क्रेट होती हैं, तो और जो हमारे पास डायमंड रॉयल वेपन वॉचर, वो आम बात है अक्सर ही होता है कि इसमें लाइट पास भी होता है जो कि 50 डायमंड 25 डायमंड इस तरह मिलता है। तो इसमें भी देखेंगे, ये उम्मीद करते हैं कि मिलेगा, क्योंकि ये सब जो लाइट पास है ना वो बहुत बेहतरीन है। तो देखते हैं ऊपर सामने, वो देख सकते हैं कि जैसे डायमंड रॉयल है हेलोवीन की तरह जैसे है, तो जिसमें हम वेपन जो है डायमंड रॉयल जो कि स्पिन करते हैं तो वो भी मिल रहा है हमको यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डिस्काउंट है, ये किसी और रीजन की है तो इसलिए हमें थोड़ा रेट में फ़र्क नज़र आएगा। जब ये हमारे रीजन में आ जाएगी इंडिया और सिंगापुर में तो ये नॉर्मल रेट हमें शो होंगे। तो इसमें बंडल देखते हैं हम, बाकी नॉर्मल बंडल है जो कि हाईलाइट है वो तो सामने आपको पता ही है। तो बाकी नीचे बैग है जो कि एक बॉडी है जो कि काफ़ी पुरानी हो चुकी है, अब तो लोग इसको लेना भी छोड़ दिया लोगों ने, लेकिन अक्सर लोग लेते हैं क्योंकि इनको काफ़ी पसंद है। तो यार अच्छी है क्योंकि इसमें जो बंडल होता है ना, जो मेन बंडल, वो बहुत ज़बरदस्त होता है। तो इसमें भी काफ़ी अच्छा है, इसमें हमें फ़ायदा क्या होता है कि इसमें आप मिस्ट्री शॉप 6.0 में आप डिस्काउंट में वेपन वॉचर और डायमंड रॉयल को लेकर रख सकते हो, उनके जो कूपन होते हैं तो उसमें बहुत फ़ायदा होता है, बाद में हम स्किन निकलते हैं तो परमानेंट निकल आती है। तो आप बंडल देख सकते हैं कि ये क्लेम कर चुके हैं, तो मैं आपको इसका बंडल भी दिखाऊंगा इसमें। तो बाकी जो ब्लैक सूट है 3 पीस वो भी इसमें अवेलेबल है, जो कि वेपन वॉचर भी आपके सामने शो हो रहा है, कुछ बंडल्स भी नज़र आ रहे हैं आपको जो कि हमें स्टोर में नज़र आए थे। तो ये काफ़ी डिस्काउंट रेट में होते हैं और काफ़ी सस्ती तरीन होती है, तो हर जो भी होते हैं लड़के वगैरह जो भी बच्चे छोटे होते हैं वो मिस्ट्री शॉप का ही वेट करते हैं कि यार मिस्ट्री शॉप में बहुत ही कम रेट में हमको चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये देख सकते हैं कि फीमेल जो करेक्टर है और बंडल पूरा का पूरा मैं आपको वो भी दिखा दूंगा इसमें। तो देखते हैं और क्या क्या है नीचे, नॉर्मली बंडल्स ही नज़र आ रहे हैं। तो और ये सामने जो हमारे डायमंड रॉयल, तो इतना कुछ खास नज़र नहीं आ रहा, तो हाईलाइट जो है वो तो सिर्फ बंडल ही होते हैं। तो बस ये क्रेट या वेपन वॉचन वगैरह अगर आप ख़रीद कर रख लें और उसी टाइम मत उसको ओपन करें, उसको रखें तकरीबन 1 से 2 वीक तक उसको रखें, उसके बाद आगे स्पिन करें तब आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन आप जल्दी इसको ओपन कर लेंगे तो आपके चांस बहुत कम होंगे कि आपकी कोई रियर आइटम निकले। हाँ गन्स निकलेंगी कुछ दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए। तो इसमें बैग हैं, कुछ हेलमेट हैं, तो इतना ज़्यादा कुछ तो नज़र नहीं आ रहा था। तो बस चलते हैं हम बंडल की तरफ कि हमको कौन कौन से बंडल मिले हैं। तो चलते हैं हम स्टोर में, तो स्टोर में आ गए तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो ये है फीमेल जो करेक्टर का बंडल और ये है मेल का। तो वहाँ पर मेल ज़्यादा अच्छा लग रहा था, यहाँ पर फीमेल अच्छा लग रहा था। तो अच्छे हैं दोनों ही, बुरे तो नहीं है, लेकिन अच्छे मतलब डिस्काउंट अच्छा आ जाए 80-90-70+ अगर हो ना 70-80-90 तब हमें ये जो बंडल्स होते हैं ये थोड़े सही रेट में मिल जाते हैं, वरना अगर ये देखा जाए तो बहुत हैवी रेट हो जाते हैं, अगर 50% भी हो जाए तो यार काफ़ी महंगे हो जाते हैं। तो देखते हैं ग्रीन दे दें, नॉर्मली 60% ज़्यादातर लोगों को, और जो टॉप अप नहीं करते ज़्यादातर, अगर आपने लेनी है मिस्ट्री शॉप 6.0 तो आप मिस्ट्री शॉप टू मिस्ट्री शॉप चलें, ताकि यार आप मतलब कि उसको अपने जो ग्रीनर को मालूम हो कि ये लड़का टॉप अप नहीं करता, तो आपको जो मतलब चांस होते हैं 90% आने के वो 90% होते हैं कि आपको आएगा। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा इसमें कॉस्ट्यूम हमने देख लिया, एक ब्रूम जो कि एक झाड़ू आने वाला था जो कह रहे थे ग्लैडर के एक्सचेंज में आएगा, तो आपको मैं थोड़ी इसकी भी डिटेल बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यार ये असल में ग्लाइडर की एक्सचेंज में नहीं आने वाला है, एक ये जैसे कि हम पैराशूट से जैसे जंप मारते हैं तो एक स्केटिंग बोर्ड होती है हमारे पास, उस तरह का ये यूज़ में आने वाला है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि थोड़ा सा यार काफ़ी अच्छा है, खूबसूरत भी, क्योंकि ग्रीना फ्री फायर में ये एक तो पहले आया था सबसे पहले, जो कि जिसमें आग निकलती थी जो एक टूटा हुआ ड्रम सा होता था तो वो थी। उसके बाद एक जो दूसरा आने वाला है वो था ये, तो ये यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं। तो बस यही इतनी लीक थी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, बाय फ्रेंड।